फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। सोनालिका ई गुरुकुल में आप सभी पेरेंट्स का स्वागत है। लास्ट टाइम हमने बात करी थी काम पेरेंटिंग पर, जहां हमने आपको चैलेंजिंग सिचुएशंस को आराम से काम रहकर कैसे हैंडल कर सकते हैं उसके टिप्स दिए थे। आज हम फिर से एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। पता है क्या, हम बात करेंगे हेल्दी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप पर। तो माय डियर पेरेंट्स, हमने डिसाइड किया है कि हम आपको पेरेंटिंग की टिप्स एंड ट्रिक्स तो देंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ हम आपको कहानियों का भंडार देंगे। तो चलिए पहले कहानी सुनते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। एक बार की बात है, दो पड़ोसी थे, शर्मा जी और वर्मा जी। दोनों ने ही अपने बगीचे में अलग अलग और बेहद खूबसूरत पौधे लगाए थे। दोनों ही अपने पौधों का खूब अच्छा ध्यान रखते, उनकी देखभाल करते और उन्हें ढेर सारा प्यार करते थे। अब शर्मा जी अपने पौधों का उतना ही ध्यान रखते थे जितना कि जरूरी था। उनका मानना था कि अपनी गार्डनिंग और अपने पौधों दोनों पे ही भरोसा रखें और उन्हें अपना रास्ता खुद खोजने दें। लेकिन वर्मा जी, वो अपने पौधों का ध्यान कुछ हद से ज्यादा ही रखते थे, जिसकी आवश्यकता थी नहीं। अब शर्मा जी के जो पौधे थे ना, वो सिंपल थे बट अच्छे थे, और वर्मा जी के पौधे खूब भरे भरे और हरे भरे थे। एक रात तेज बारिश आंधी तूफान आया, और वो तूफान में दोनों पड़ोसी बहुत बेचैन हो रहे थे। वो सोच सोच के परेशान हो रहे थे कि उनके बगीचे का, उनके पौधों का क्या हाल हो रहा होगा, कैसे झेल पाएंगे इतनी बारिश आंधी और तूफान। बहरहाल अगली सुबह दोनों पड़ोसी अपने बगीचे में हुए नुकसान को देखने के लिए निकल पड़े। वर्मा जी ने देखा कि उनके पौधे जड़ से उखड़ गए थे, पूरी तरह नष्ट हो गए थे, और दूसरी तरफ शर्मा जी, उनके पौधे बिल्कुल वैसे के वैसे ही थे, स्टैंडिंग टॉल एंड फर्म। वर्मा जी समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो गया, उनके सारे पौधे नष्ट। वो शर्मा जी के पास दौड़े दौड़े गए और उनसे उन्होंने पूछा, शर्मा जी, हम दोनों ने अपने बगीचे में एक जैसे पौधे लगाए, मैंने तो अपने पौधों का ध्यान आपसे बेहतर किया था, फिर भी मेरे पौधे जड़ से उखड़ गए, पूरी तरह खराब हो गए, और आपके पौधे वैसे के वैसे, ये कैसे हो गया? शर्मा जी मुस्कुराए और बोले, वर्मा जी, आपने अपने पौधों को अधिक ध्यान और पानी दिया, जिसकी वजह से वो मेहनत करना भूल ही गए। उन्हें पता ही नहीं चला कि मेहनत करना, काम करना क्या होता है। आपने उनका जीवन बिल्कुल आसान बना दिया। आप उन्हें पानी देते गए और वो आराम से बैठे रहे, उनने कोई काम ही नहीं किया, जबकि मैंने अपने पौधों को उतना ही पानी दिया जितना कि उन्हें जरूरत थी, और अपनी जड़ों तक का रास्ता उन्हें खुद खोजने दिया, और इसी वजह से मेरे पौधों की जड़ें गहरी और मजबूत हो गई, जिसका रिजल्ट आप देख रहे हैं कि मेरे पौधे बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं। बच गए, वो तूफान को झेल गए। बच्चे भी पौधों की तरह होते हैं, यदि आप उन्हें सब कुछ हाथ में दे देंगे तो वो कभी ये समझ ही नहीं पाएंगे कि उन चीजों को अर्न करने में कितनी मेहनत लगती है, हार्डवर्क क्या होता है वो ये जान ही नहीं पाएंगे। वो खुद काम करना और उस काम का सम्मान करना नहीं सीख पाएंगे। उन्हें चलना सिखाएं, पर उनको अपनी राह, अपना रास्ता खुद ढूंढने दें, उनके गाइड बन के उन्हें मार्गदर्शन दें, पर सब कुछ हाथ में रखकर ना दें। अपनी पेरेंटिंग, अपने वैल्यूज, अपने रिचुअल्स, अपने मॉरल्स पर भरोसा रखें और अपनी बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग बनाएं, ताकि बच्चे
चैलेंजिंग और डिफिकल्ट सिचुएशंस को आराम से हैंडल कर सकें। एक बच्चे के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रिश्ता वो होता है जो वो अपने माता पिता के साथ डेवलप करता है। एक हेल्दी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बच्चों के डेवलपमेंट का फाउंडेशन होता है और ये फाउंडेशन, ये नींव धीरे धीरे ही स्ट्रांग होती है। आप अपने बच्चों के साथ बचपन से ही जो बॉन्ड बनाते हैं वही उनके सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट का आधार बनता है, पर ये हमेशा आसान नहीं होता है। बच्चों की बढ़ती उम्र, चेंजिंग मूड्स, मूड स्विंग्स और अलग अलग सिचुएशंस, अलग अलग चुनौतियों के साथ आपका और आपके बच्चे का बॉन्ड बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। और ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को थोड़ा स्पेस देना बेहतर होता है। हैव कॉन्फिडेंस ऑन योर अपब्रिंगिंग। कोई भी चीज़ की अति बच्चों को बढ़ने नहीं देती है। अब जैसे हमारी कहानी में शर्मा जी ने अपने पौधों को सब कुछ दिया, लव, केयर, सपोर्ट, पर उतना ही जितना कि उनके डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी था, और इसी वजह से उनके पौधों की जड़ें गहरी और मजबूत हो गई, जिसका रिजल्ट था कि उनके पौधे चैलेंजिंग सिचुएशंस यानी आंधी तूफान का डट कर सामना कर पाए। एक हेल्दी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप इन्फ्लुएंस करता है कि बच्चे बड़े होकर कैसे इंसान बनेंगे। एक सेफ एंड लविंग एटमॉस्फेयर बच्चों को इमोशनली एंड मेंटली ग्रो करने में हेल्प करता है। मैं मानती हूँ कि इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के चलते वक्त निकालना मुश्किल होता है, लेकिन बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बिताने और मस्ती करने के अवसर खोजने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। अब यूनिसेफ ने कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज सजेस्ट करी हैं जो आपके बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करने और बच्चों के माइंड को ग्रो करने में हेल्प करेंगी, तो चलिए देखते हैं। नंबर वन, क्वाइट टाइम टॉकिंग। इस एक्टिविटी के लिए कोई भी कंफर्टेबल प्लेस चूज करें, जैसे बेड, काउच या फिर कोई भी कोजी कॉर्नर। इफ पॉसिबल ये एक्टिविटी बेड टाइम पे करें। बेड टाइम एक बहुत ही रिलैक्सिंग टाइम होता है जब आपका बच्चा आपके साथ अच्छे से कनेक्ट करता है। इस एक्टिविटी के लिए अपने बच्चों के साथ बैठें और बातें करें। जब आप उनके साथ बैठे हैं तो उनका हाथ पकड़े, मुस्कुराए और ढेर सारी बातें करें। जब आपका बच्चा आपके साथ कुछ शेयर करता है, आपको कुछ बताता है, तो उसको ध्यान से सुने एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करें। इस एक्टिविटी के तीन बेनिफिट्स हैं। नंबर वन, आपके बच्चे काम डाउन, शांत और रिलैक्स होते हैं। नंबर टू, आपका बॉन्ड बढ़ता है। एंड नंबर थ्री, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बच्चे सेफ एंड सिक्योर फील करते हैं। यू विल बी सरप्राइज टू सी कि इस एक्टिविटी को करने से आपके बच्चे कितना ज़्यादा ओपन होकर आपसे बातें शेयर करेंगे। जितना ज़्यादा प्रयास और समय आप अपने रिश्ते में लगाएंगे, उतना ज़्यादा आपका बॉन्ड बढ़ेगा। नंबर टू, कैन यू कॉपी मी। इस एक्टिविटी को आप बैठकर या खड़े होकर कर सकते हैं और अपने बच्चों से पूछिए, क्या आप मुझे कॉपी कर सकते हो? आप डांस कर सकते हैं, कोई फनी फेस बना सकते हैं या फिर किसी एनिमल की तरह अपने बच्चों के सामने आ सकते हैं और देखिए क्या आपका बच्चा आपको कॉपी कर पा रहा है। इस एक्टिविटी के दो बेनिफिट्स हैं। नंबर वन, डेफिनेटली आपका बच्चा आपको कॉपी करना सीखता है। नंबर टू, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बच्चे ओपन होना सीखते हैं, खुलकर बात करना सीखते हैं एंड अपने आप को एक्सप्रेस करना भी सीखते हैं। ये एक्टिविटी डेफिनेटली एक फन एलिमेंट तो लाती है, लेकिन उसके साथ ये एक बहुत ही स्वीट मेमोरी बन जाती है आप दोनों के लिए। सो मेक द मोस्ट ऑफ इट। नंबर थ्री, ब्रुम 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 ब्रुम। What's that sound? अब बच्चों के साथ या तो अंदर, बाहर अगर पॉसिबल है या बेस्ट है, विंडो खोलकर बैठ जाइए। तरह तरह की आवाजें आती हैं, उन्हें सुनिए
और बच्चों को भी एनकरेज करिए कि वो आवाज़ों को सुने और कॉपी करने की कोशिश करें। ये एक्टिविटी एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल सिखाती है, वो है लिसनिंग यानी सुनना। आज के टाइम में ये स्किल बहुत बहुत ज़रूरी है। सिर्फ बोलना इम्पॉर्टेंट नहीं है पर सुनना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि जब आप ठीक से सुन पाओगे तभी आप इफ़ेक्टिवली रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। इस स्किल के साथ साथ छोटे बच्चे साउंड्स को कॉपी करना समझना भी स्टार्ट करते हैं। नंबर 4, हैंड पपेट। पुराने कपड़ों या सॉक्स की मदद से एक पपेट बनाएं। इस पपेट को थोड़ा सा क्रिएटिव बनाएं, बटन्स, वूल या स्ट्रिंग की मदद से। अब इस पपेट को यूज़ करते हुए अपने बच्चों से बात करें, डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स वॉइसेस निकाल के बच्चों को स्टोरीज सुनाएं। इस एक्टिविटी के 2 बेनिफिट्स हैं। 1, बच्चे इमोशन समझते हैं एंड वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना सीखते हैं। 2, स्टोरीज कैसे बनाते हैं, स्टोरीज कैसे क्रिएट करते हैं वो भी बच्चे सीखते हैं इस एक्टिविटी के थ्रू। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 5, ड्राइंग फैमिली एंड फ्रेंड्स। दिन के किसी भी वक्त जब आप फ्री हो तो अपने बच्चों को फैमिली, फ्रेंड्स, पेट्स या जो भी उनका मन है वो ड्रॉ करने के लिए एनकरेज करें। उन्हें कलर्स और ड्राइंग शीट्स दें ताकि वो अपनी फीलिंग्स अच्छे से एक्सप्रेस कर सकें। आप उन्हें एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स ड्रॉ करने का आइडिया भी दे सकते हैं। अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो आप उन्हें जर्नल लिखने का आइडिया दें, जहां वो अपने एक्सपीरियंसेस और फीलिंग्स को राइटिंग के फॉर्म में अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। आर्ट की हेल्प से बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखते हैं और अपने बारे में अवेयर होते हैं। ये एक्टिविटी एक विंडो की तरह काम करेगी जो बच्चों को खुलकर सोचने और एक्सप्रेस करने का फ्रीडम देगी। नॉट ओनली दिस, ये एक्टिविटी बच्चों के इंटेलिजेंस को भी इम्प्रूव करती है। ये सभी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ आप पेरेंट्स को हेल्प करेंगी टू अंडरस्टैंड योर चिल्ड्रन बेटर। रोज़ छोटी छोटी चीज़ें करें ताकि आप अपने बच्चे को बता सकें कि आप उनसे कितना प्यार करती हैं। बिलीव मी, ये एटीट्यूड ही अपने आप में आपके रिश्ते में बहुत डिफरेंस ला सकता है। बस इन छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स को आप जब शामिल कर लेते हैं अपने डेली रूटीन में तो डेफिनेटली आपका एक हेल्दी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप का फाउंडेशन तैयार हो रहा है। और एक बार आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो गया फिर आप अपने बॉन्डिंग पे काम कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आज के लिए अलविदा लेती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का टॉपिक पसंद आया हो। हम फिर मिलेंगे एक नए और मज़ेदार टॉपिक के साथ।